बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये फार्म के ना कुछ नकारा जानवर हैं, किसी के दो थन ख़राब हो गए हैं या कोई बूढ़े जानवर हैं, थन सारे ठीक हैं, या कुछ रिपीट ब्रीडर हैं जो मतलब है कंसीव ही नहीं कर रहे, प्रेग्नेंट नहीं हो रहे। आज इनकी नीलामी है तो बड़े सारे बहुत से लोग पूछते हैं कि आपके फार्म से झोटियाँ या कट्टियाँ मिल सकती हैं। सिर्फ नकारा जानवर जो होंगे ना वही सेल होंगे, जिसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम होगी, या दो थन ख़राब होंगे, या बच्चादानी का इन्फेक्शन होगा किसी भी किस्म का। तो ये सारे जानवर हैं, इसके अंदर कुछ जानवर हैं जिनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी रही है लेकिन अब बूढ़े हो चुके हैं। ये वो जानवर हमारे पास जो टीके पर नहीं मतलब है कि कंसीव कर रहे, प्रेगनेंट हो रहे, बाहर फील्ड में शायद भूल से हो जाते हैं लोगों के पास, वो है। तो क्या तरीकाकार होता है नीलामी का, वो मैं आज छोटा सा एक वीडियो क्लिप बना के शेयर करता हूँ, देखिएगा ज़रा। ये सिक्योरिटी वसूल की जा रही है, जो जो हजरात बोली देंगे ना वो पहले 25,000 रुपये सिक्योरिटी जमा करवाते हैं। अगर कोई जानवर नहीं ख़रीदता तो फिर वो बोली के बाद अपनी सिक्योरिटी वापस ले सकता है। अगर कोई बंदा जानवर ख़रीदता है तो जैसे ही नीलामी ख़त्म होती है उसे सारे पैसे जमा करवा के जानवर ले जाना होता है। इन केस अगर वो जानवर छोड़ जाता है तो जो सिक्योरिटी दी होती है वो जब्त हो जाती है। ये बेग दफ़ा इनकी सिक्योरिटी ले कर इनको रसीद दे देंगे, उसके बाद ये बोली में हिस्सा लेंगे। जो बंदा सिक्योरिटी देता है वही बोली में हिस्सा ले सकता है, उसके अलावा और कोई बंदा बोली में हिस्सा नहीं ले सकता। बोली कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूँ। इजाद का 70,000 क्या 70,000